हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप तो ठीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके स्किन पे बहुत सारे क्या दाग धब्बे की शिकायत है, उसकी क्या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लगाएं आप अपने स्किन पे, जो आपकी स्किन ठीक भी हो जाए और नॉर्मल हो जाए। क्या स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बेकार हो गई है, वक्त से पहले क्या लूज हो गई है, आपको इतने दिख रहे हैं कि आपके कितने उम्र हो चुकी है, आपने कभी सोचा है ऐसा भी आपके स्किन पे दिख रहा है? क्योंकि खुद को नहीं दिखता है, जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि हमें दिखता है कि हम कितने उम्र हमारे हो चुके हैं, स्किन पे बेकार सी हो गई और दाग धब्बे की समस्या हो गई है, दो मुहासे की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत सारी समस्या होने लगती है। ये सब क्या होती है, सूर्य की जो किरणों होती है ना, सीधे हमारे फेस पे पड़ती है, स्किन पे। हम तो देखते हैं ना कि सारी अंगों हमारी ढकी हुई होती है, लेकिन फेस हम कभी ढकते नहीं है। तो क्या होती है कि सूर्य की तरफ हम गर्मी की तरफ, गर्मी का समय है अगर देखते हैं ना, तो हमारे स्किन पे वो उसकी जो रोशनी होती है, वो तेज प्रकाश होती है, हमारे स्किन पे देखते पसीना बहुत सारा आता है, सूखने के बाद एकदम स्किन चिपचिपे सी होने लगती है, रूखे रूखे सी बेजान सी हो जाती है। आप देखते होंगे कई बार कि मेकअप करके आप बाहर जाते होंगे तो आपकी स्किन एकदम बेकार सी हो जाती है घर आते आते, क्योंकि पसीना सारी आपकी मेकअप खत्म हो गई होती है, जो स्किन आपकी डल होती है वो होके एकदम आपकी स्किन मतलब बहुत बेकार सी लगने लगती है और कालापन आ जाती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो का भी लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी बॉल लेनी है। मैंने इसमें छोटी सी बॉल ली है, मैंने इसमें कच्चा दूध लिया, जो फ्रीज का दूध है बिल्कुल चिल्ड है, वो मैंने कच्चा दूध लिया है। आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक मिनट अभी दिखाती हूँ। और मैंने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल का मैंने इसमें ये लिए, कुछ बूंदे मैंने एक कैप्सूल ऐड करी है अपनी स्किन के बराबर। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कच्चे दूध लिए। और इसमें हमें क्या लेना है, वैसलीन जो होती है ना हमारे स्किन पे, आप देखते हैं अक्सर आप लगाते हैं, मुझे उसमें से करीबन आधी चम्मच के बराबर वैसलीन को ऐड कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जो हमें अपनी स्किन, जो आपकी स्किन डल हो गई है और दाग धब्बे की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई है, या ऑयली स्किन है आपकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे कि आपकी स्किन की ऑयल ये सोख लेंगे अच्छे से, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही पहले इसको अच्छे से मिक्स इसलिए करेंगे, हमारी स्किन पे जो रोम छिद्र होती है ना, जो स्किन के अंदर वो जाएगी ना, तो हमारी स्किन के जो क्या है कि जितने भी दाग धब्बे की समस्या है, हमारी स्किन उतने ही सॉफ्ट होते चले जाएंगे। उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली। अब क्या करना है, आप चाहो तो इसे फिंगर के हेल्प से इसे लगा सकते हो, इसे लगा अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप चाहो इसे तो अप्लाई कर सकते हो, मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ करके। तो फ्रेंड, इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको 10 मिनट करनी है। मैंने इसे अच्छे से मसाज करके इस तरह मैंने अच्छे से इसको पचाई और बहुत अच्छे से लगाई, मुझे लगा जितना लगना चाहिए हमारी स्किन पे, उस तरीके से मैंने इसे मसाज करते हुए लगाई, जो हमारी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम है, जो हमारी धूल मिट्टी जम जाती है स्किन पे, उसे भी साफ करेंगे। साथ में जो दो मुहासे की प्रॉब्लम है, पिंपल्स, टैनिंग जो भी है आपके स्किन पे, उन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम दूर करेंगे धीरे धीरे। इसको आपको अगर टाइम मिल रहा है तो दिन भर में कम से कम आप 3 बार बना के रख लीजिए इसे फ्रिज में, और एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए आप बना के इसे आसानी से रख सकते हैं और अपनी डल स्किन को ग्लास स्किन बना सकते हैं, और जो भी पिगमेंट, टैनिंग, इन सारी चीज़ की समस्या धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप लगाते चली जाएंगे ना स्किन पे, वैसे वैसे आपको लगेंगे ये सारे प्रॉब्लम हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने इसे अच्छे से 10 मिनट के लिए ऐसे मसाज कर लिए, इतनी अच्छी से मैंने करी, जो आप देख सकते हैं, आपको लग नहीं रहा होगा कि मेरे स्किन पे कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, वैसे भी पहले से भी नहीं है। वैसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से, साथ में मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा हमें भी स्किन का ख्याल रख सके इसीलिए। और जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो रेमेडी मैं खुद पे ट्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएगी किसी नुकसान हो रहा है कि नहीं। और कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर अपने स्किन पे थोड़ा सा ट्राई करके चेक कर लें कि
कि आपको कौन चीज़ सूट कर रहा है, जो सूट कर रहा है आपको उसमें वही चीज़ आपको लगाना है। जैसे मैंने विटामिन ई की एक कैप्सूल इसमें डाली थी मैंने, अगर आपको सूट वो नहीं कर रही है तो आप उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल आप 2-4 बूंद इसमें ऐड कर सकते हैं, वो स्किन के लिए हमारी बहुत बेटर होती है। पहले के ज़माने में देखते थे नारियल तेल अपने हाथों में दे, हाथ में मसाज करते थे, क्योंकि उसमें क्या होती है ठंडों में वो जम जाती है, आपने देखा होगा जो हमारी रोम चिंडर होती है ना, अगर हम ठंडों में उसे ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारी क्या होती है हमारी जहाँ जहाँ गड्ढों होती है ना उन चीज़ों को भरने में आसानी से मदद करती है। और दूध हमारे स्किन के लिए हमेशा से आपकी स्किन को टाइट करेगी, जैसे जैसे सूखेंगी ना आपको लगेगी कि आपकी स्किन टाइट हो रही है, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते ही मैंने लगाई है और मैंने बीच में कोई गैप नहीं मारी है, और आप मैंने अभी छोड़ रखा है क्योंकि अच्छे से ये सूख गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ साफ़ करने की ज़रूरत है। स्किन टाइट सी जैसे आप लगाइएगा ना इसे लगेगा आपकी चमड़ी जैसे एकदम टाइट हो रही है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, खुद आपको ये चीज़ से महसूस हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा वैसलीन डाली, अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो जो क्रीम आप नाइट में यूज़ करते हैं उसमें से थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए, और देखिए आप अपनी स्किन को कैसे ग्लास स्किन बना सकते, शीशे की तरह आपकी एकदम स्किन चमकेगी इस तरह से। फिर मुझे आप 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसे क्या करूँगी कि मैं इसे पानी से नहीं वॉश करूँगी, मैं कॉटन कपड़े ही गीला करूँगी नेपकी को और उसी से मैं अपनी स्किन को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि 10 मिनट तक ही रखने हैं। इस रेमेडी को मेरे बताए गए अनुसार से आप अगर लगा रहे हैं तो आप 1 हफ्ते में क्या 2-3 दिन में ही आप रिजल्ट देखिएगा कि जो आपकी छाई की भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, स्किन पे किसी तरह के दाग धब्बे की समस्या है, सारी चीज़ों को रिमूव करने में आसानी से आपका मदद कर सकता है बिना नुकसान करे, क्योंकि ये हमारे घर की चीज़ होती है, सारी नेचुरल होती है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, इसमें कोई बनावटी भी नहीं है, कोई दिखावटी भी नहीं है, तो सारी चीज़ आपके घर में ही होते हैं, फिर भी आप खुद का ख्याल नहीं रख पाते, थोड़ा सा वक्त निकाल के आप खुद के लिए ख्याल रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा, या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके आपको बताना है कि अच्छी लगी या नहीं लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।